आम बजट की घोषणा से व्यापारी वर्ग नाराज। जो उम्मीदें थी वैसा कुछ भी नहीं बजट में। व्यापारी बोले, आज का बजट काफी निराशाजनक, व्यापारियों समेत किसी वर्ग का नहीं रखा ख्याल। कुछ व्यापारियों का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी बजट है। गोरखपुर में डीएम ने सीएचसी सहजनवा का अचौक निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट शुरू न होने पर अधीक्षक को फटकारा। जननी सुरक्षा योजना का रजिस्टर चेक किया, रजिस्टर में कमियां मिलने पर लगाई फटकार। एक सप्ताह में कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश। कन्नौज में तेज रफ्तार डंपर ने व्यक्ति को कुचला। हादसे में व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने मिल इटावा मार्ग किया जाम। सौरिक ब्लॉक के सामने हुआ दर्दनाक हादसा। सौरिक पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश में जुटी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। बजट पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बजट जनता को लुभाने के लिए लाया गया, पुरानी घोषणाओं के अमल को भुला दिया। केंद्र को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की चिंता नहीं। संतोष दुबे अयोध्या विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी हैं संतोष दुबे। भाजपा के विरोध में अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव।